पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन उद्योगे बचर त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिचालित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा पश्चिम जिलार अधीन शीर्ष स्थानीय दस जन छात्र छात्री संवर्धना ज्ञापन अनुष्ठान आयोजन है যা তাদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি অন্যান্য ছাত্রদের আরও কঠোর পরিশ্রম করার অনুপ্রেরণা যোগাবে। এদিন শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন তাদের জানিয়ে জীবনের আরও বড় কিছু অর্জনের জন্য এটাই অধ্যবসায় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়। এদিন শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও সনদ তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার সহ দপ্তরের আধিকারিকগণ। मुझे याद है कि आज से लगभग 15 से 16 साल पहले मैंने भी जब 10th और 12th का एग्जाम दिया था तो बड़ी उम्मीदें थी, बड़े सपने थे और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आके भी हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों के अंदर नए सपने हैं। कुछ कारणों से वो सपने रिलीज नहीं हो पाते या वो अचीवमेंट उस हिसाब से उनके प्रयत्नों से जो होना है वो नहीं हो पाता। तो मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि त्रिपुरा सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी बच्चे मेरिट में हैं, जो बच्चे अपने लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, जिस तरह का करना चाहते हैं, उसमें जो भी बाधाएं थी पहले उसको धीरे धीरे आपके साथ कोशिश करके उनको दूर किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी खासकर महिलाओं की जो नौकरी है, हम देखते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रोपोर्शन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं था। और ये एक स्टडी भी है कि अगर हम लोग महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और आम जनता को जो सर्विसेज की ज़रूरत है वो मिलती है। इसी को सोच के और इसी थॉट प्रोसेस से 33% रिजर्वेशन किया गया है नई पॉलिसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और इसके लिए मैं आप सभी के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को धन्यवाद देता हूं कि इस सोच से ना केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा परंतु जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो बच्चे 12th करते हैं, आपको पता है कि पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था त्रिपुरा में, लास्ट 20 साल 15 से 20 साल पहले आया है और अभी 200 सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस में। इस साल 50 सीटें और बढ़ाई गई हैं, इसमें बहुत प्रयत्न हुआ है एनएमसी लेवल पे और उम्मीद करते हैं आने से एक दो साल में 400 सीटें त्रिपुरा में हो जाएंगी एमबीबीएस की, और या इस साल से या नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि इनमें एडमिशन्स भी शुरू हो जाए। हम इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं कोशिश की और मेडिकल की सीटें त्रिपुरा में बढ़ाई जाएं। दूसरा एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी बात हो रही है कि और कोर्स इंट्रोड्यूस हो खासकर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, ताकि खासकर हमारी जो बच्चियाँ हैं जिन्हें स्टेट से बाहर जाने में उनके परिवार को या उनको समस्या होती है उनको यहीं पे बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसके साथ हम लोग AICTC से भी बात कर रहे हैं कि ना केवल NIT में बट बाकी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी नए कोर्स इंट्रोड्यूस हों और फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के दौरान नए स्किल्स भी हमारी बच्चियों को त्रिपुरा के अंदर ही सिखाया जाए। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि IIIT ऑलरेडी फंक्शनल है और मुझे याद है आज से एक साल पहले या दो साल पहले इवन कुछ एक दो बच्चों को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज भी मिला था। तो हम IIIT के साथ भी बात कर रहे हैं उनके नए कैंपस के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो हमने उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि IIIT भी अपनी सीट्स को इंक्रीज करेगा और IT क्षेत्र में ना केवल एजुकेशन और स्किल में परंतु इवन जॉब्स के लिए भी IIIT के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट गवर्नमेंट IT सेक्टर में जॉब क्रिएट करेगी त्रिपुरा के अंदर और कैंपस मोड में इसमें डेवलपमेंट हो। इसी के साथ साथ बच्चियों को IT बेस्ड स्टडी करा के या IT प्लेटफॉर्म्स को यूज करके भी उनके घर तक ये एजुकेशन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी इस तरह के इनिशिएटिव
एजुकेशन से शुरू हो गए हैं, जिसमें हम लोग ई क्लासरूम और टैबलेट्स के थ्रू या ई डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू भी हम अपने बच्चियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग ट्रिमेंडस अचीवमेंट और ट्रिमेंडस डेवलपमेंट देखेंगे एजुकेशन के मामले में, खासकर हायर एजुकेशन, और जो जो बेस्ट फैसिलिटीज की वजह से हमारी बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है, मान लीजिए पुणे जाना पड़ता है, बैंगलोर, वो एजुकेशन फैसिलिटीज और वो जॉब फैसिलिटीज हम त्रिपुरा में देने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, अब आप लोग भी स्किल के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में जाएंगे और कुछ ऐसा करिए कि जो भी त्रिपुरा से आपको मिला है उसको दोबारा अपने टैलेंट को, अपने स्किल को इन्वेस्ट कीजिए त्रिपुरा में और त्रिपुरा के डेवलपमेंट में हमारा साथ दीजिए।